दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट में मिली जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से समय मांगे जाने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल की ओर से विक्रम चौधरी और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने दलीलें रखी। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और एडवोकेट जुहेब हुसैन पेश हुए। वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। केजरीवाल के वकील ने रोक का विरोध करते हुए कहा कि ईडी उनके खिलाफ साजिश रच रही है। वहीं सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसके तहत उन्हें अंतरिम जमानत दी गई। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि उन्हें और समय चाहिए क्योंकि ईडी ने कल रात 11 बजे यानी याचिका पर नया जवाब दाखिल किया है। इसके बाद कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख को तय किया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें पिछले हफ्ते अंतरिम जमानत दी, लेकिन वो अभी भी जेल में बंद हैं क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में भी उन्हें गिरफ्तार किया है। सीबीआई के मामले में भी अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में लड़ाई इस समय चल रही है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के मामले में सीएम केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में अभी भी जेल में ही रहना होगा। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती इस गिरफ्तारी को फिलहाल दी है, लेकिन कोर्ट की तरफ से अभी फैसला लंबित है।